हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आज जो स्टॉक हमारे पास आया था ना, जो सुबह ही मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसी का स्टॉक का देखिए। हमारा जो न्यू क्लेपॉट स्टॉक में आता है, आते ही उसका इतना सारा ऑर्डर आज ही आ चुका है। तो वो स्टॉक मैं सुबह दिखाई थी, लेकिन अभी मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उस स्टॉक का ही अभी सब वीडियो जा रहा है, मतलब क्या क्या पार्सल है। मैं कस्टमर को अलग अलग करके वीडियो डालती हूँ, फिर भी मैंने सोचा इस पार्सल में आज जो स्टॉक आया है उसका पूरा स्टॉक जा रहा है, तो मैं वीडियो दिखा देती हूँ। देखिए ये है सॉसर, ये सॉसर हाफ बेक में है, ये आज नहीं आया है, ये पिछले हफ्ते आया था। ये पूरा पार्सल जो है ये पूरा हाफ बेक में है, मतलब इसमें कोई भी स्टॉक आपका नॉन स्मोकी नहीं है। मैं इसका अलग अलग करके प्राइस बता दूंगी। देखिए ये जो ये है मिनी पॉट नॉन स्मोकी, ये है 250 रुपीज़ 1 kg। देखिए यहाँ पे 1 kg है, इसका भी पैकिंग होगा। ये 250 रुपीज़ है 1 kg। ये जो सॉसर आप देख रहे हैं ये है 220 रुपीज़ 1 kg। ये जो ग्लास है, मैं सभी का दाम बताती हूँ। ये जो ग्लास है ये हम पहले 220 देते थे, अभी 250 रुपीज़ है, क्योंकि सभी चीज़ का दाम बढ़ चुका है, लेबर कॉस्टिंग बढ़ चुका है। क्ले पॉट बनाने से भी ज़्यादा इसका पैकिंग डिलीवरी चार्ज इसका प्राइस लगता है। इसको नमाना, उठाना, गिराना, मतलब इसको लाना, इसमें ज़्यादा पैसा चला जाता है। ये है थिक कोलकाता क्ले पॉट। थिक कोलकाता क्ले पॉट का बहुत सारा ऑर्डर हो चुका है ऑलरेडी। ये है 170 रुपीज़ 1 kg इंक्लूडिंग शिपिंग। और यहाँ पे है बिग साइज थिक क्ले पॉट, बिग साइज थिक क्ले पॉट, ये है 200 रुपीज़ 1 kg इंक्लूडिंग शिपिंग। और ये है पेबल पॉट, ये 250 रुपीज़ 1 kg इंक्लूडिंग शिपिंग। मैं प्राइस अलग अलग करके बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब भी खरीदे आप लोगों को ये प्राइस पता चल जाए। हर वीडियो में प्राइस मैं बोलना भूल जाती हूँ, जब याद आता है तो मैं बोल देती हूँ। सभी से एक ही प्राइस हम लेते हैं, ऐसा नहीं आपसे एक, आपसे एक। और ये जिनका पार्सल है उनका पिछले बार का पार्सल थोड़ा ख़राब निकला था, मतलब ख़राब मतलब उन्होंने स्मोकी लिया था, तो पार्सल बहुत स्मोकी, कच्चे मिट्टी में क्या होता है, बहुत टूट गया है, तो उनको इसीलिए इस पार्सल में हमें थोड़ा कंसेशन करना पड़ा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पार्सल क्ले पॉट टूटेगा उसमें हमारी कोई हाथ नहीं है, आप लोग ही बोलते हैं सॉफ्ट बनाइए तो हम बनाते हैं। तो ये उनका पार्सल है, देख लीजिए, ये पूरा 10 kg का पार्सल है। और एक पार्सल मैं दिखाती हूँ जो स्मोकी में है, मैं उसका पार्सल भी दिखाती हूँ, जो 1 kg पार्सल है, ज़्यादा बिग साइज में नहीं है। इन्होंने कोलकाता क्ले पॉट थोड़ा स्मोकी में लिया है, देख लीजिए। और इसके साथ इन्होंने ये सैंपल मांगा था तो हमने दिया है, सॉफ्ट में है। और थिक क्ले पॉट भी उन्होंने लिया है 1 kg में इंक्लूड करके, देखिए। तो थिक क्ले पॉट ज़्यादा स्मोकी नहीं आया है आज, सभी हाफ बेक में आया है इस तरह से जो आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से 2-3 पीस स्मोकी निकला है, तो उनको हमने दे दिया है ऑलरेडी। अभी थिक क्ले पॉट स्मोकी में और नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसी क्ले पॉट का और भी पार्सल है, यहाँ पे सब मैं दिखा देती हूँ। सभी के साथ एड्रेस लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एक दो पार्सल पोस्ट ऑफिस से रिटर्न हो रहा है, तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया है, तो वो लोग बोल रहे हैं आपने एड्रेस ठीक से नहीं लिखा है। आप लोग एक बात समझ लीजिए, पार्सल के ऊपर जो एड्रेस लगाया जाता है, आप लोग अंदर कागज़ देख रहे हैं, यही कागज़ का फ़ोटो हम आपको भेजते हैं, आप रिस्पॉन्स करते हैं हाँ यही सही है, उसके बाद हम इसको पार्सल में लगाते हैं। सो एड्रेस को अच्छे से देख के कन्फर्म कीजिए, हम एड्रेस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपको दिखा के हम उसको उसी कागज़ को लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से कुछ लगाएंगे। और ट्रैकिंग स्लिप में पूरा एड्रेस प्रिंट किया हुआ नहीं होता है, तो आप लोग एड्रेस कंफर्म करेंगे उसके बाद ही हम भेजेंगे। और ये स्टॉक अभी हमारे पास आया है कोलकाता, अभी थिन क्ले पॉट कुछ है लेकिन बाकी सभी थिक में है। ओके बाय फ्रेंड्स।